हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या ब्रांड डिविजन AEW कंपनी के अंदर खुद की फैक्शन बनाने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक जब डायनामाइट शो के ऊपर MJF ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को मेंशन किया था तो उसके ऊपर एडम कोल का क्या कहना है। ये रिवील हो चुका है कि हाल फिलहाल में रेफी ने AEW कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर क्यों नहीं आ रहे। एडी किंगस्टन ने AEW कंपनी के अंदर अपना अगला रोल बता दिया है, जिसके साथ ही शार्लेट फ्लेयर और अंदाजे को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज, ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं MJF और एडम कोल की, और जानते हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो ऊपर जब MJF ने अपने प्रोमो के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को मेंशन किया था तो उसके ऊपर एडम कोल का क्या कहना है। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें लास्ट वीक के डायनामाइट शो ऊपर MJF और CM Punk बीच में प्रोमो बैटल देखने को मिला था, जहां पर भी बात करते हुए MJF ने कहा था कि CM Punk AEW कंपनी अंदर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो डॉक्टर ब्रिट बेकर का पीछा कर सके। जो लाइन काफी सैवेज लाइन थी, पर इस सब के बाद हाल ही में डॉक्टर ब्रिट बेकर के बॉयफ्रेंड यानी कि एडम कोल का एक इंटरव्यू हुआ और एडम कोल के उस इंटरव्यू के अंदर एडम कोल से पूछा गया कि हाल ही में डायनामाइट शो ऊपर MJF ने जो डॉक्टर ब्रिट बेकर के बारे में कहा है तो उसके ऊपर एडम कोल का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल को सच में नहीं पता था कि इस वीक के डायनामाइट शो ऊपर MJF कहने वाले हैं। और जब MJF का प्रोमो चल रहा था तब एडम कोल AEW कंपनी के बैकस्टेज में नहीं थे, पर जब एडम कोल को पता चला कि MJF ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को लेकर ऐसे कमेंट किए हैं तो इसको लेकर एडम कोल MJF के ऊपर थोड़े फार फ्रस्ट्रेट तो है, पर एडम कोल को इसकी खुशी भी है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर अब उस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है जहां पर MJF और CM Punk अपने राइवलरी के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को मेंशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, एडम कोल ने कहा कि एडम कोल यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टाइम MJF को वार्निंग देने वाले हैं कि अगर MJF आज के बाद अपने मुंह से डॉक्टर ब्रिट बेकर का नाम निकालते हैं तो एडम कोल MJF के दांत तोड़कर रखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर MJF के डॉक्टर ब्रिट बेकर को मेंशन करने की वजह से यहाँ पर एडम कोल MJF के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है और यहाँ पर एडम कोल ने MJF को एक वार्निंग भी दे दी है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इसके बाद MJF फिर एक बार डॉक्टर ब्रिट बेकर को मेंशन करते हैं या नहीं। पर गाइस, सरप्राइजिंगली इसके साथ ही हाल ही में MJF का भी एक इंटरव्यू हुआ है और MJF को उस इंटरव्यू के अंदर MJF से पूछा गया कि MJF ने जो डॉक्टर ब्रिट बेकर को लेकर कमेंट्स किए थे तो उसके ऊपर एडम कोल ने MJF के दांत तोड़ने की धमकी दी है, तो इस पर MJF का क्या कहना है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए MJF ने कहा कि MJF ने ये सब चीजें मजाक में कही थी और MJF नहीं चाहते कि MJF और एडम कोल के बीच में कोई हीट हो क्योंकि करंटली MJF का फोकस सिर्फ CM Punk के ऊपर है और MJF ने वो सब कमेंट्स सिर्फ CM Punk को चढ़ाने के लिए कहे थे। जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर MJF की बातों से ऐसा लग रहा है कि MJF का डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर MJF सिर्फ अपने CM Punk के साथ रिवैलरी के ऊपर फोकस है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि क्या आप AEW कंपनी और एडम कोल और MJF की रिवैलरी देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइस, जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि अगर AEW कंपनी और एडम कोल और MJF के बीच में एक मैच होता है तो मैच एक काफी बढ़िया मैच होगा। और अगर ये मैच AEW अपनी कंपनी अंदर करवाती है तो मैं तो ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये मैच इतनी जल्दी होने वाला है क्योंकि हाल फिलहाल में MJF और एडम कोल ये दोनों ही हिल सुपरस्टार है और जब कभी इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच में मैच होगा तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक सुपरस्टार एक फेस सुपरस्टार होगा और इन दोनों का भी फेस टर्न होने के लिए देर है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये मैच इतनी जल्दी AEW कंपनी अंदर देखने को नहीं मिलने वाला, पर मैं होप करता हूँ कि हमें ये मैच AEW कंपनी अंदर काफी जल्दी देखने को मिले। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में एडी किंगस्टन ने AEW कंपनी अंदर अपने अगले गोल के बारे में क्या कहा। तो गाइज, अगर आप बहुत देर से एडी किंगस्टन को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एडी किंगस्टन AEW कंपनी के काफी खतरनाक सुपरस्टार है जो कि AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस देते हैं और एडी किंगस्टन की रिवैलरीज भी देखने लायक होती है और उनके प्रोमो वर्क का तो क्या ही कहना। पर जहां तक बात है एडी किंगस्टन के AEW कंपनी अंदर अचीवमेंट की, तो माना कि आज तक एडी किंगस्टन ने AEW कंपनी अंदर बहुत ही बढ़िया रिवैलरीज और बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, पर अब तक एडी किंगस्टन ने AEW कंपनी अंदर कुछ भी अचीव नहीं किया और अब तक एडी किंगस्टन ने AEW कंपनी अंदर कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीती। और यही पर जब हाल ही में एडी किंगस्टन का एक इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू के अंदर एडी किंगस्टन से पूछा गया कि एडी किंगस्टन का AEW कंपनी अंदर अगला गोल क्या होने वाला है, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि हर एक सुपरस्टार की तरह यहाँ पर एडी किंगस्टन ये नहीं कहने वाले कि एडी किंगस्टन AEW कंपनी अंदर कोई चैंपियनशिप जीतने के लिए आने वाले हैं या फिर एडी किंगस्टन AEW कंपनी वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर एडी किंगस्टन का AEW कंपनी अंदर गोल ये है कि एडी किंगस्टन AEW कंपनी के टॉप स्टार बनना चाहते हैं, जैसे कि जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको या फिर हाल फिलहाल में एडम हैंगमैन पेज, और एडी किंगस्टन इनके तरह ही AEW कंपनी का एक टॉप स्टार बनना चाहते हैं और हाल फिलहाल में एडी किंगस्टन का गोल यही है। जो बात यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एडी किंगस्टन AEW कंपनी का टॉप स्टार बनना चाहते हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एडी किंगस्टन पहले से ही AEW कंपनी एक टॉप स्टार है क्योंकि एडी किंगस्टन जितनी बढ़िया मैचेस और जितनी बढ़िया रिवैलरीज देते हैं शायद ही उतनी बढ़िया रिवैलरीज कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कोई और देता है। इसलिए मेरे लिए तो एडी किंगस्टन AEW कंपनी एक टॉप स्टार है। पर गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रेफिनेक्स AEW कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर क्यों नहीं आ रहे।
तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर एवल्यू कंपनी का हर एक शो का रिव्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में रेफिनिक्स एवल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आ रहे हैं और हमें एवल्यू कंपनी के शोज के ऊपर रेफिनिक्स के ना आने की वजह बताई गई थी कि रेफिनिक्स हाल फिलहाल में इंजोर चल रहे हैं और इसलिए रेफिनिक्स एवल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आ रहे। पर ये बात तो हमें एवल्यू कंपनी के टेलीविजन के थ्रू पता चली, पर जहां तक बात है रियल रीजन की जिसके चलते रेफिनिक्स एवल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आ रहे, तो गाइज वो रीजन ये है कि हाल फिलहाल में रेफिनिक्स को उनकी वीजा के साथ थोड़ा सा इशू चल रहा है और अपने वीजा इशू के चलते हाल फिलहाल में रेफिनिक्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं है और इसलिए वो एवल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आ सकते, जो कि रेफिनिक्स के एवल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर ना आने की रियल वजह है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, लेकिन जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लगता है कि एवल्यू कंपनी को अपने रेसलर्स के वीजा देखना चाहिए कि उन्हें ट्रैवल करने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पर देखते हैं कि रेफिनिक्स की प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होती है और हमें फिनिक्स कब तक एवल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में अंद्रादिल इडोलो और शालिट फ्लेयर को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एक अपडेट्स की वीडियो के अंदर बताया था कि हाल फिलहाल में अंद्रादिल इडोलो और शालिट फ्लेयर इन दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना बंद कर दिया है और इसके बाद स्पेकुलेशन आने लगी थी कि शायद अंद्रादिल इडोलो और शालिट फ्लेयर इन दोनों का ही ब्रेकअप हो चुका है, पर तभी इनिशियल रिपोर्ट्स थी और मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम झूठ हो सकता है, पर सरप्राइजिंगली बात सच है और करंटली मल्टीपल सोर्सेज न्यूज कन्फर्म कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में अंद्रादिल इडोलो और शालिट फ्लेयर का ब्रेकअप हो चुका है और इस ब्रेकअप के पीछे की मेन वजह रिक फ्लेयर या फिर शालिट फ्लेयर को बताया जा रहा है कि वो हाल फिलहाल में अंद्रादिल के साथ नहीं रहना चाहते और इसलिए अंद्रादिल इडोलो और शालिट फ्लेयर का ब्रेकअप हो चुका है, जो देखा जाए तो काफी बुरी बात है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, लेकिन जहां तक बात है मेरी तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेयर फैमिली के अंदर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रख सकता, क्योंकि इसके पहले रिक फ्लेयर का 4 बार ब्रेकअप या फिर डिवोर्स हो चुका है और शालिट का भी ट्रैक रिकॉर्ड सेम ही है, यानी कि अंद्रादिल के पहले शालिट का 4 बार ब्रेकअप हो चुका था और प्रॉब्लम एक बार डिवोर्स भी हो चुका है और अब इस सब के बाद अंद्रादिल की बारी आई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेयर फैमिली के अंदर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रख सकता। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, लेकिन अब तक ये रिवील नहीं हुआ कि अंद्रादिल और शालिट फ्लेयर के ब्रेकअप के पीछे की मेन वजह क्या थी, तो देखते हैं कि ये वजह रिवील होती है या नहीं, पर मैं होप कर रहा हूं कि इसके चलते इन दोनों ही सुपरस्टार्स के रेसलिंग करियर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या ब्रांड एडिसन एवल्यू कंपनी अंदर अपनी फैक्शन बनाने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप एवल्यू कंपनी अंदर ब्रांड एडिसन की स्टोरी लाइन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ब्रांड एडिसन करंट एवल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी एडम हैंगमैन पेज के साथ राइवलरी के अंदर है और यहाँ पर ब्रांड एडिसन करंटली हैंगमैन पेज की क्लोजेस्ट फैक्शन यानी कि डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर को मार रहे हैं, जिससे कि वो फाइनली हैंगमैन पेज तक पहुंच पाए। और ब्रांड की इसी स्टोरी लाइन को देखते हुए हाल ही में जब ब्रांड का इंटरव्यू हुआ तो ब्रांड की उस इंटरव्यू के अंदर ब्रांड से पूछा गया कि क्या ब्रांड कभी एवल्यू कंपनी अंदर खुद की फैक्शन बनाना चाहते हैं या नहीं, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रांड ने कहा कि हाँ ब्रांड डेफिनेटली एवल्यू कंपनी अंदर खुद की फैक्शन बनाना चाहते हैं और इसलिए क्योंकि आज तक ब्रांड ने कभी किसी फैक्शन को लीड नहीं किया और ब्रांड को लगता है कि ब्रांड एक फैक्शन लीडर के तौर पर काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं और इसे ब्रांड अकेले ही एवल्यू कंपनी काफी सारे सुपरस्टार का फायदा करवा सकते हैं, जैसे कि क्रिस जेरिको एक फैक्शन बनाकर प्राउड एंड पावरफुल और सैमी गेवेरा जैसे नए स्टार्स बनाए हैं, वैसे ही ब्रांड भी एवल्यू कंपनी अंदर एक फैक्शन बनाकर नए नए स्टार्स बनाना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर ब्रांड ने कही। और यहाँ पर ब्रांड ने यह भी कहा कि ब्रांड को लगता है कि एवल्यू कंपनी का एक सुपरस्टार अगर ब्रांड कभी फैक्शन बनाएंगे तो उनके फैक्शन के अंदर परफेक्ट बैठेगा और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि डेनियल गार्सिया है। और यहाँ पर ब्रायन ने कहा कि अगर ब्रायन कभी अपनी फैक्शन बनाते हैं तो ब्रायन सबसे पहले डेनियल गार्सिया को अपने फैक्शन के अंदर लेने वाले हैं, क्योंकि ब्रायन को लगता है कि डेनियल गार्सिया के अंदर पोटेंशियल है और डेनियल गार्सिया काफी बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं, इसलिए ब्रायन डेनियल गार्सिया के साथ फैक्शन बनाना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनियल ने कही। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रायन को एवल्यू कंपनी अंदर एक फैक्शन लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं। तो गाइस मैं तो ब्रायन को एवल्यू कंपनी अंदर एक फैक्शन लीडर के तौर पर देखना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रायन ने काम कभी नहीं किया और मुझे भी ब्रायन को एक फैक्शन लीडर के तौर पर देखना है, तो देखते हैं कि ब्रायन एवल्यू कंपनी अंदर अपनी फैक्शन को बनाते हैं। पर ऐसे ही एवल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एवल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?